दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिलायंस की लेवल एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट स्टडी एनालिसिस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरे अंत तक देखने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक की कंप्लीट अगर स्टडी किया जाए तो कितना टाइम और किस तरीके की एनालिसिस की जा सकती है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, फिर जा कर के आप उसमें ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं बाई या सेल साइड में तो ही पैसा बनेगा। और ये वीडियो आपको इस यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश हमारी है जो हमारे वेबसाइट के सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं उनको कंप्लीट F&O की वीकली बेसिस पे एनालिसिस, जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है टॉप 25 स्टॉकों की कंप्लीट एनालिसिस की जाएगी और वीडियो वेबसाइट सीरीज़ में उनको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट स्टडी एनालिसिस की जाएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको अभी हम एनालिसिस करके दिखाएंगे रिलायंस का। तो रिलायंस का सबसे पहले वीकली बेसिस पे जो लेवल निकल के आया है 1280 की क्लोजिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, मीन्स कि ये स्टॉक एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। और अब क्या बनता है एज पर वोलेटिलिटी, इस स्टॉक का जो मंडे के लिए ब्रेकआउट लेवल जो है 1285-86 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस 1293 रुपये का 1293 का होगा और उसके ऊपर जैसे चलेगा ये 1310 तक जा सकता है। सेम थिंग अगर 1272 टूटेगा तो हम नीचे 1265 तक जा सकते हैं। अब रही बात कि ये मंडे के लिए हो गया, लेकिन वीकली ब्रेकआउट 1291 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो अच्छा खासा वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा, जो 1315 और 1340 तक की तेज़ी देखा जा सकता है आने वाले वीक में। लेकिन 1268 के नीचे क्लोजिंग होता है तो 1240 रुपये तक के टारगेट देख सकते हैं। अब हम इस सिंपल स्ट्रेटजी के बेसिस पे एनालिसिस किया है। अगर सीक्रेट कैलकुलेटर के बेसिस पे देखा जाए तो इसके बेसिस पे एक मेजर रेजिस्टेंस 1291 रुपये का है, ये ब्रेक होता है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस 1296 का होगा और वो ब्रेक होते ही 1308 रुपये का टारगेट देखे जाएंगे। और नीचे अगर हम 1280 का लेवल टूटेगा तो 1263 तक के टारगेट देख सकते हैं। और वीकली टारगेट जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1308 रुपये के ऊपर आसपास का है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 1320 पे छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद हम 1355 रुपये तक के टारगेट देख सकते हैं। और नीचे 1260 और 1275 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वीकली बेसिस पे ब्रेक करता है तो 1240 और 1227 रुपये तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ये रहा एज फॉर सीक्रेट कैलकुलेटर एनालिसिस। और अगर हम दूसरे तरीके से एज फॉर वीकली और मंथली के बेसिस पे जानना चाहेंगे कि पिछले मंथ के बेसिस पे इस मंथ का टारगेट क्या था अपसाइड और डाउनसाइड की, उसकी कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे तो इसमें वीकली बेसिस पे ये निकल के आया है कि 1290 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, 1275 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा वीकली बेसिस पे। लेकिन मंथली व्यू क्या है, कंप्लीट ट्रेंड किधर रहेगा, उसके लिए आपको हमारे दूसरे स्टडी में जाना पड़ेगा। और ये स्टडी है कंप्लीट एनालिसिस, जो हमारे वेबसाइट के जो मेंबर हैं उन्हीं को ये एनालिसिस मिलता है। और वीडियो के फॉर्मेट में मैक्सिमम स्टॉक की एनालिसिस की जाएगी, लाइक रिलायंस की हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस जो अभी हमने एनालिसिस देखा वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे देखा, लेकिन आने वाले मंथ में किस तरीके का बिहेवियर रहेगा, लाइक जून में इसकी बिहेवियर क्या होनी चाहिए थी, तो मई के एनालिसिस के बेसिस पे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मई के एनालिसिस पे ये स्टॉक का जो व्यू था एक्चुअली ब्रेकडाउन जो एज फॉर साइक्लिक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट 1250 के आसपास का है, मीन्स कि 1250 के ऊपर जब तक है तो ये साइक्लिक अप ट्रेंड में है और साइक्लिक डाउन ट्रेंड तब शुरू होगा जब 1250 के नीचे जाएगा।
तो एज फॉर इस लेवल के आसपास अगर स्टॉक मिल रहा है तो एक तरीके से यही स्टॉप लॉस लगा करके डेली या वीकली बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा करके रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। रिलायंस के केस में देखा जाए तो इसके आजू बाजू अगर प्राइस में अगर प्राइस आपको स्टॉक मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिस्क फेवरेबल है इस लेवल के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि ये ब्रेकडाउन के आसपास का रेट है, अभी अगर 1280 1260 देखा जाए तो एक तरीके से साइक्लिक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल मिलता है। सेकंड, मंथली व्यू क्या था जून के लिए, क्या स्टडी शेयर हो रहा था इसमें, तो एक कंप्लीट रेजिस्टेंस था 1275 रुपये 1375 रुपये के आसपास, और एक मेजर रेजिस्टेंस जो था 1345 रुपये के आसपास, और उसके लिए बाई एबव जो इसमें टारगेट था 1300 के ऊपर, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 1300 1322, 1322 सेकेंड रेजिस्टेंस 1345, और फोर लास्ट रेजिस्टेंस था 1375। तो आप देखेंगे जून का हाई, जून का 4 जून का इसने हाई बनाया है 1375, एग्जैक्ट टारगेट 4 के आसपास का ये जून महीने का हाई बनाया। ये मई के डेटा के बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, 1375 एग्जैक्ट इसी पे रेजिस्टेंस लेकर के हमने डाउन ट्रेंड शुरू किया, और डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, 1373 ब्रेक होते ही, 1345 टूटते ही हम लगभग डाउन ट्रेंड के टारगेट 4 पे सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। मीन्स की क्लोजिंग बेसिस पर अगर देखा जाए तो 1270 रुपये एक ऐसा लेवल है, इसके नीचे स्टॉक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मंथली एनालिसिस कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि 1262 रुपये का लो लगाया है इसने 19 तारीख को, जून की डेटा है ये, तो 1262 रुपये का इसने लो लगाया, लगभग इसी के आसपास का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट था, क्लोजिंग इसके आसपास ही हुआ होगा, मीन्स कि 1270। तो कुल मिलाकर के हम डाउन ट्रेंड के एक ऐसे लेवल के आसपास हैं जहां से सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मंथ और साइक्लिक ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस आया है, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क आपका यही रहेगा कि 1270 रुपये के नीचे बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए वीकली या 2 या 3 दिन, मीन्स कि इसके नीचे बिल्कुल भी क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो 1250 रुपये का बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो 1227 रुपये पर छोटा सा सपोर्ट लेगा, फिर हम नीचे 1155 रुपये तक के टारगेट देख सकते हैं जून के महीने का, ये एनालिसिस है। तो अब हम लेवल के डाउन ट्रेंड के बिल्कुल इस टारगेट पे आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिस्क फेवरेबल है। अब हम जून के डेटा के बेसिस पर अगर जून का अगर लो यही हो गया तो जुलाई में हम क्या करेंगे उसकी भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने लोअर लेवल पे है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे अगर सपोर्ट पे है खड़ा और वीकली ब्रेकआउट होता है तो हम वीकली बाई में जाएंगे, और उस वीकली बाई के लिए आप देखेंगे तो इसी तरीके से प्रीवियस वीक के बेसिस पे इस वीक की एनालिसिस करते हैं। तो प्रीवियस वीक के बेसिस पे इस वीक का लेवल जो बना है एज फॉर इस एनालिसिस के बेसिस पे क्या होना चाहिए था उसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो इसके बेसिस पे ये 1338 का हाई था 12 जून का, और लो था लगभग 1308 का। इसके बेसिस पे ये एनालिसिस ये बता रहा है कि अगर 1331 के ऊपर जाता तो ब्रेकआउट होता, तो हमने इस हफ्ते 1320 का हाई मारा है, मीन्स कि इसके ऊपर नहीं गए हैं, डाउन ट्रेंड में गए हैं, और 15 पे सपोर्ट था, ये टूटते ही हम लगभग 1290 रुपये तक के टारगेट देख सकते थे, जो कि हम इसके नीचे भी गए इस हफ्ते, मीन्स कि 1262 रुपये का लो भी लगाया हमने, मतलब इस टारगेट के नीचे चले गए। तो ये वीकली ट्रेंड डाउन था कहाँ के कौन से प्राइस के लेवल के आसपास, 1315 के नीचे ये वीकली ट्रेंड डाउन हो चुका था। अब रही बात कि मंथली हम सपोर्ट पे खड़े हैं, सपोर्ट पे खड़े हैं, तो आने वाला मंथ जो जुलाई का मंथ होगा, और वीकली अगर आने वाला वीक का एनालिसिस किया जाए तो आने वाला वीक का भी ब्रेकआउट 1291 रुपये के ऊपर हो रहा है, और ब्रेकआउट जो आएगा 1308 रुपये के ऊपर आ जाएगा, फिर 1355 रुपये तक के टारगेट देख सकते हैं। और जून महीने के एनालिसिस किया जाए तो जून महीने के बेसिस पे
अगर 1288 और 1305 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 1330 और 1350 रुपये का टारगेट देख सकते हैं। नीचे नीचे जो अभी खड़ा है मार्केट लगभग 1287 और 1262 के बीच में सपोर्ट ले रहा है, और जैसे ही 1305 के ऊपर चलेगा 1350 के आसपास आएगा, और 1350 पे एक रेजिस्टेंस होगा और ये ब्रेकआउट ये लेवल टूटेगा तो हम लगभग 1440 रुपये तक के टारगेट को भी रिलायंस में जुलाई के महीने में देख सकते हैं। तो वीक बाय वीक हमें पोजीशन लेना है, मंथली व्यू होना चाहिए ये कि हम कहाँ तक जाएंगे और कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। तो हमने इस स्टडी के बेसिस पे ये जाना कि आने वाले महीने में 1260 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और ऊपर 1350 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर हम 1350 के लेवल को जैसे ही तोड़ेंगे तो 1400 की तरफ चलेगा प्राइस, और 1350 का लेवल ब्रेक होने के लिए 1290 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है वीकली बेसिस पे। 1290 1291 का लेवल ब्रेक करेगा तो 1308 पे एक रेजिस्टेंस है। 1340 और 1355 का भाव देखेंगे, 1355 के भाव के और 1350 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा तो पोजीशन को होल्ड करेंगे विथ टारगेट ऑफ 1440। तो ये एनालिसिस कंप्लीट रिलायंस का है। तो इतना टाइम और इस तरीके के वीडियो के बेसिस पे अगर हम स्टॉक बाय स्टॉक टॉप 25 स्टॉकों की एनालिसिस आपको अपने वेबसाइट के सीरीज के मेंबर को एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ इस तरीके की एनालिसिस वीडियो भी आप लोगों को शेयर किया जा रहा है, और उसको एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए इसी तरीके के एनालिसिस करके ही आप ट्रेडिंग डिसीजन लें। इतना टाइम अगर आप देते हैं एक स्टॉक के एनालिसिस पे तो ही पैसा बनेगा, नहीं तो फ्री में बैठे बैठे पैसा बनाना मुश्किल है। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से बनाया गया है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज़ से। यदि आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं इस एनालिसिस के बेसिस पे और उसमें कोई प्रॉफिट लॉस होता है उसकी हमारी कोई जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।